सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आपने कल का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, समुद्र के नज़ारे लिए होंगे। आज हम जा रहे हैं काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने, जो कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था। स्कूबा डाइविंग करेंगे और 5-6 एक्टिविटीज़ और हैं, वो सारी करेंगे। हमने अपने एक एक जोड़ी कपड़े रख लिए हैं। बस हमारी आ रही है, बस के इंतजार में अब हम निकल रहे हैं। सर्दियों के मौसम में गोवा में जो सबसे बढ़िया टाइम है मौसम के हिसाब से, या तो इस समय बिल्कुल सुबह सुबह जैसे अभी बज रहे हैं 8:30, या तो ये 8, 8:30, 9 बजे से पहले पहले, जब तक धूप नहीं निकल रही। और अगर धूप निकली आई है, ठीक है, स्कूटी खड़ी है ना, खड़ी होगी, और जब धूप निकली आए तब आप कृपा करके पानी में चले जाइए, क्योंकि धूप इतनी कड़ी और इतनी तेज़ होगी ना 2-3 घंटे की, आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आप मतलब ठंडों में आ रहे हैं कहीं तो मे बी पॉसिबल कि आपको थोड़ी सी इचिंग, गर्मी और ये सब होने लगे। तो भैया दोपहर का टाइम तो आप अपने बीचेस के लिए रखो। तकरीबन मोस्ट प्रोबेबली मैं बताऊँ तो 11:30 बजे से लेके आपके तकरीबन 2-3 बजे तक 3-4 घंटे आप अपने बीचेस के लिए टाइम रखो। अगर गोवा में आप आते हो तो कोई भी आपको समुंदर नहीं कहेगा। यहाँ पर मैंने अक्सर लोगों के मुँह से सुना है कि दरिया मेरे हिसाब से कोई और वर्ड है, मतलब हम जनरली यूज़ नहीं करते। मैं अपनी भाषा में बात करूँ तो अभी बस वाले भाई साहब ने हमको उतार दिया। पीछे आप पब्लिक देख रहे होंगे, ये सारी पब्लिक जो है पीछे और आगे चल रही है, ये सब हमारे साथ ही हैं। ये सब स्कूबा करेंगे मेरे हिसाब से और बाकी एक्टिविटी। हमने कॉम्बो बुक करा तो उसने ये लिख दिया हाथ पर, मुझे अमिताभ बच्चन की पिक्चर याद आ गई। वो अमिताभ बच्चन की पिक्चर में वो हाथ पर कुछ गुदवा देता है, लिखवा देता है, भगवान जाने क्या सिस्टम। सामने हमारी खड़ी है बोट, अब बोट से हमारा क्या नाम है इसका, स्विज लाइन। हम दोनों ने पहन लिए कवच कुंडल, अभी हमारे कुंडल नहीं आया, अभी हमारा कवच आया है। स्कूबा डाइविंग जो है हमारी भी शुरू हो गई है, काफ़ी सारे लोग चले गए हैं। हमारा नंबर अभी 16वां और 17वां है, इंतजार कर रहे हैं भी करके लोग करके आ रहे हैं। अपने आप को पानी में टाइम दो, मुंह से टाइम दो पानी में, टाइम दो अपने आप को, 2 मिनट दो। कोई बात नहीं, होगा करके देखो, मुंह से ही सांस लो और एक हाथ से नाक पकड़ लेना, भैया बता रहे थे। अरे हड़ूमा बोला तो ने बोला ब्रावो, बहुत बढ़िया काके। Thank you.
बोट से आ रहे हैं, बोट का भी बोट पे होगी पैरासेल। अब ये पैरासेल करने के लिए हवा में ऊपर लटका दिया। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? डबल का फायदा ऐसे मत बोलो भाई। और हम ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और ये सामने मदन भाई साहब हाइट पे है, मजा आ रहा है। ये हमारा पैराशूट है। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत शानदार। और ये नीचे जा रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया था। क्या रहा उसमें बढ़िया? में से अरे पानी में ले गया, वो सबसे बेकार था। बल्ला तो बहुत झटका लगा इसलिए मेरा मना कर दिया। पानी में मत लीजिए। वो ऊपर 200 मीटर पे लेकर के आता ऐसा लगा। तो सही थी उसमें? डबल हाइट पे तू डबल हाइट पे था? उतनी हाइट थी? पता नहीं लग रहा, मुझे तो उतनी लग रही है। हो सकता है अपने यूं तुम्हारा मान लो 200 मीटर हो जाए तो फिर पूरा गोवा घुमा था ना ऐसे करके। ज्यादा अच्छा उसको हायर कर लो भाई, गोवा घुमा दे तो पूरा उनको।